तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द डे। बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बनाया, सोच आज बना लूँ क्योंकि इसको भी कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। तो टुडे इज नथिंग बट टुडे सैटरडे और आज हमारी छुट्टी है कॉलेज की, तो टाइम मिला व्लॉग बनाने का। और वैसे भी हमारे पेपर चल रहे हैं, तो अब मंडे को पेपर है। और भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे स्टैंड में, लाइक है मशीन्स हैं बट वो सारी ख़राब है। सो आपको पता है क्या होता है जब मशीन ख़राब होती हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो यही कुछ कांड है हम लोग के साथ। और बाकी डाइट वाइट कुछ फॉलो नहीं हो पाती यहाँ पे तो। और कुछ मतलब बेसिक एक्सरसाइजेस जैसे कि डंबल्स प्रेस हो गए, वो सब हो गया, और पुलअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, और डेडलिफ्ट मार लेते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत वेट्स हैं, खाली 110 तक वेट्स हैं, तो हो जाता है उससे भी थोड़ा काम। और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आई हैव डिसाइडेड समथिंग लाइक कैन आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ हियर और लाइक समथिंग। सो आई विल बी पोस्टिंग ईच एंड एवरी डे अ वीडियो ऑन यूट्यूब नाउ फॉर अबाउट 1 to 2 months टिल आई कैन टेक इट। बिकॉज पहले जब मैंने ये चैलेंज किया था लाइक फॉर 30 days, आई कैरी इट फॉर 26 days एंड देन आई लिफ्ट, और मेरे को गेंस भी बहुत अच्छे आए थे उस टाइम। आई वॉज लाइक शेडिंग, सो बट दैट दैट शेड वॉज नॉट अ करेक्ट वे। लाइक उसमें बहुत जल्दी मेरा वेट लॉस हो रहा था बट नॉट इन अ करेक्ट वे। आई वॉज नॉट टेकिंग अ प्रॉपर डाइट, बट नाउ I've got some knowledge about dieting and all like that. So now it's my proper time to take a diet and to change myself again. So this is all I can do right now. अभी तो बस जिम आया था, थोड़ी एक्सरसाइज मारी है और अब मारूँगा थोड़ी और बस, फिर जा रहा हूँ क्योंकि पढ़ना भी है और परसों पेपर भी है। तो let's continue with the video. जो I'll be telling you कितना मैं मील ले रहा हूँ और from now onwards कि मैं क्या खाता हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ एंड ऑल। आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग क्योंकि मेरा सुबह का हमेशा ब्रेकफास्ट मिस होता है। तो आई ट्राई टू चेंज माई टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल क्या होता है, लाइक आपका टाइम टेबल जैसे ये होगा 2 बजे सोना, फिर सुबह 10 बजे उठना एंड ऑल। सो आई टेक अ टाइमिंग लाइक सुबह उठो जल्दी, रात को जल्दी सो, आई टेक प्रॉपर 8 hours स्लीप एंड आई ईट प्रॉपर। क्योंकि जब बाहर आते हो तो बाहर का खाना एंड ऑल, मोमोज, फ्राइड मोमोज, ये सब तो चलता रहता है क्योंकि आपको यहाँ का हॉस्टल का खाना खा खा के बोर हो जाते हो। तो क्योंकि हॉस्टल का खाना भी बोरिंग होता है लाइक दाल एंड ऑल, तो उसको बार बार खाने का मन नहीं करता है। तो आई ट्राई ईटिंग दैट अगेन नाउ, मतलब जितना हो सके मैं यहीं का खाऊँगा क्योंकि दैट गिव्स अस अ लाइक होम फीलिंग और इट्स गुड फॉर हेल्थ और टू आई गेस सो, क्योंकि मेरे को पता नहीं कैसे बनाते हैं लोग राइट। तो अभी कुछ नहीं, बस अभी एक्सरसाइज करेंगे और दिखाते हैं और व्हाट, मतलब मैं दिखाऊंगा मैं कब तक ये वीडियो बनाऊंगा, डालता रहूंगा और क्या क्या लाइक खाता रहूंगा तो आपको दिखाता रहूंगा। सो दिस इज़ द वे आई विल बी ट्रांसफॉर्मिंग माई सेल्फ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। टुडे डेट इज 19 February 2022। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन इन जस्ट 1 to 2 months, लेट्स गो इट। सो एज यू कैन सी लाइक कैसा जिम है यहाँ पे, ये भी ख़राब है, इसका लेग एक्सटेंशन भी ख़राब है, द पुल भी ख़राब है, पूरा बंद नहीं है अच्छे से, पूरी रोप इसकी ख़राब है, बटरफ्लाई भी पूरा ख़राब ही है, खाली ट्राइसेप वाला जो है, जो चेस्ट वाला, ये भी ख़राब है, हैंग करता है बहुत, खाली डंबल्स हैं और ये भी थोड़ा बहुत सही है जो कभी कभी चल जाते हैं, इसके ऊपर हम लोग को डंबल्स डालने पड़े। और बाकी ये बेंचेस हैं जो ज़्यादा काम की हैं बट लाइक चेस के लिए, और एक ये है लेकिन इसकी रॉड मिसिंग है। और यहाँ पे एक ट्रेडमिल भी है और साइकिल भी है जो चलती नहीं है, खाली ट्रेडमिल चलती है, साइकिल नहीं चलती है। तो दिस इज़ ऑल, सो दिस इज़ ऑल वी हैव इन आवर जिम। बाकी दिक्कत बहुत है यहाँ पे, तो वैसे बोला हुआ है, वो कह रहे हैं करवा देंगे, सही करवा देंगे, बस 2 महीने हो चुके, नहीं हुआ अभी तक, तो देखो कब तक सही करवाते हैं, वरना तो बॉडी के लग जाएंगे। चलो फिर अभी मेरा वर्कआउट तो हो गया और मैं जा रहा हूँ वापस अपने रूम में, थोड़े पढ़ते हैं और फिर पहली मील लेते हैं, और अभी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। तो यस, मिलते हैं थोड़ी देर में पहली मील के साथ। सो इट्स ऑलरेडी 1 एंड दिस इज
first meal I'm taking for the day today, or that will be one scoop of whey protein and upar lunch bana hua hai to upar lunch karenge jaake dekho kya bana hua mujhe ko bhi nahi pata abhi dekhte kya bana hua aur wahi khayenge so let's do it. So this is my one scoop of protein, and this gives me about 24 to 25 grams of protein a day. And good source of protein. वरना यहाँ पे अंडे खरीदने के लिए भी बहुत महंगा है, आपको पता है तीनों. और बाकी सबसे फिर भी लेते हैं और ऊपर जाते हैं, क्या बना हुआ देखते हैं. वैसे ये whey protein है, my protein का coffee flavour, Kevin's का coffee flavour. थोड़ा सा बचा तो मैं ले आया था. एक packet और है मेरे पास vanilla. तो तब ये ख़त्म होगा तब वो यूज़ होगा. सो इसको पानी से भरते और फिर ऊपर चलते लंच करने. बाय. सो दिस इज़ माय फर्स्ट मील ऑफ द डे. सम सैलेड, टू चपाती, रायता एंड थोड़ी सब्जी है, बीन्स आलू की और दाल मखनी और राइस विद अ स्कूप ऑफ प्रोटीन. हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिकॉज यहाँ पे कभी भी कुछ भी मिल जाता है. लाइक एक टाइमिंग होती है पर्टिकुलर, बट आई नीड सम गुड टाइमिंग्स फॉर माय मील. सो इसके हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा. बाकी आज खाने में पोहा है एज अ स्नैकिंग, और पोहा खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं तीसरी मील में, वो भी डिनर में. तो डिनर में टाइम से लेता हूँ 8 बजे, और फिर टाइम से खाता हूँ, 2-3 घंटा पहले लेता हूँ सोने से. तो यू शुड ट्राई दिस ऑल्सो. बाकी डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे खाना, और फिर एक वॉक ले लेता हूँ बाकी. सो यहाँ इधर अच्छी क्वालिटी आ रही है. तो अभी पोहा खाते हैं और मिलते हैं डिनर के टाइम. बाकी वीडियोस रेगुलर आएगी, लाइक 2 मार्च से तो रेगुलर आएगी, क्योंकि अभी पेपर भी चल रहे हैं तो ज़्यादा बना नहीं पाऊँगा. खाली कंटेंट डालूंगा, लाइक कि व्हाट आई एम हैविंग अ डे टुडे और टुमारो व्हाट आई विल बी हैविंग, और बाकी दिखाता रहूँगा. और बाकी अब 2 मार्च के बाद फ्री होंगे तो एक्सप्लोर करेंगे देहरादून को भी, और आपको भी एक्सप्लोर करेंगे, और वी विल हैव फन. ओके बाय. चलो पोहा खाते हैं फिर मिलते हैं. सो दिस इज माय सेकंड मील विद अ पीनट एंड पोहा है, अच्छी है. डाइजेशन हो गया. इट्स ओनली 7:30 इन द इवनिंग एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई विल हैव माय डिनर एंड दिस विल बी माय लास्ट लास्ट मील ऑफ द डे. और आज मील बहुत कुछ अच्छा है, जैसे मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, और पता नहीं क्या है, और चिली पोटैटो है. सो वो खाएंगे क्योंकि भूख भी बहुत जोर लग रही है. तो टुडे वीडियो वॉज टू कन्वे, लाइक टू कन्वे अ थिंग कि जो भी खाओ अच्छा खाओ, और so that's all I'm applying on myself. Let's see what I can take my transformation to. See, अगर आपको मैं आपको अपनी फोटो दिखा दूंगा यहाँ बगल बगल में आ रही होगी, पहले मैं कैसा था अब मैं ऐसा हूँ. तो आई कैन टेक मोर स्टेप्स टू डू इट मच मोर बेटर, बट इन अ प्रॉपर वे नाउ, बिकॉज बिफोर कोई नॉलेज नहीं थी, अब मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज आई है. तो आई कैन अप्लाई दैट ऑन दैट ऑल नॉलेज ऑन माई सेल्फ. सो लेट्स डू दिस. और अभी बस खाना खाते हैं, आई जस्ट एंड दिस व्लॉग. और मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या खाया है, एक डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा, एक लाइक थॉट डाल दूंगा एक स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. यू लव दैट थॉट बाय रीडिंग दैट, सो रीड इट. एंड या प्लीज कमेंट डाउन बिलो, कुछ भी पूछना हो. चलो बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय. से आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा लास्ट मील क्या होने वाला है. तो हाँ, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग.